लेसन 10 पार्ट 10 आ हीरो। एक हीरो, हीरो मतलब नायक, एक नायक। स्वामी इज अ 9 ईयर ओल्ड बॉय। स्वामी इज है एक 9 ईयर ओल्ड 9 साल का लड़का। स्वामी एक 9 साल का लड़का है। हु लिव्स इन मालगुडी विलेज विद हिज पेरेंट्स। जो रहता है मालगुडी गांव में अपने माता पिता के साथ एंड ग्रैंड मदर और अपनी दादी के साथ। जो अपने माता पिता और दादी के साथ मालगुडी गांव में रहता है। वन डे हिज फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पिता पढ़ रहे थे एक अखबार। एक दिन उसके पिता अखबार पढ़ रहे थे। फादर, फादर। स्वामी लिसन टू हिम टू दिस। स्वामी इसे सुनो। अ न्यूज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लेड हु वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ केम फेस टू फेस विद अ टाइगर टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर। स्वामी इसे सुनो, किसकी बात करें, किसे सुनो, अखबार की। जो अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार में एक खबर आई, उस खबर की बात कर रहे हैं। इसे सुनो, एक एक न्यूज़, एक खबर, गांव के ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड, गांव के एक बहादुर लड़के की। हु जो वाइल रिटर्निंग होम वापस घर लौटते समय बाय द जंगल जंगल बाय द जंगल पाथ जंगल के रास्ते से केम फेस टू फेस विद द टाइगर। जो आया आमने सामने हुआ उसका एक चीता से। टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर। फिर जब तक फिर तभी कुछ लोग उस रास्ते पर कुछ लोग आ गए और उन्होंने चीते को मार डाला। एक बहादुर लड़का जो कि जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था उसका चीता से आमना सामना हुआ। जब तक सब कुछ लोग आ गए उस रास्ते पर और उन्होंने चीते को मार दिया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड। इसको पूरा पढ़ने के बाद फादर पिताजी स्वामी की तरफ देखते हैं और आस्क्ड कहते हैं, व्हाट डू यू से टू डैड। तुम इसको क्या कहोगे, या तुम इस जो खबर है इसके बारे में, इस लड़के के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या कहोगे स्वामी। अब स्वामी कहता है, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन। मैं सोचता हूँ कि वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और ग्रोन अप मतलब बड़ा, जो बड़े हो गए होते हैं, ताकतवर होते हैं। मैं सोचता हूँ कि वह लड़का बहुत ही ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होगा। नॉट एट ऑल होगा, नॉट एट ऑल अ बॉय, कोई लड़का नहीं होगा, एक लड़का लड़के जैसा नहीं होगा। वह जो है, मैं सोचता हूँ कि वह एक बहुत मजबूत और ताकतवर इंसान होगा, एक लड़का नहीं होगा। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर। एक अगर एक लड़का है तो एक लड़का कैसे टाइगर से आमना सामना कर सकते, एक टाइगर से कैसे लड़ सकता है। फादर, फादर कहते हैं, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कवर्ड। पिताजी कहते हैं कि एक आदमी के पास हाथी जैसी ताकत भी हो सकती है लेकिन फिर भी वो कायर भी हो सकता है। वेयर एज अनदर मैन हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रो बट हैड करेज कैन डू एनीथिंग। और दूसरा मैन जिसके पास ताकत होगी स्ट्रॉ मतलब घास फूस जैसी, जिसके पास घास फूस जैसी ताकत होगी लेकिन उसके पास साहस होगा और वो कुछ भी कर सकता है, मतलब कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज। सपोज मतलब होता है मान लो या सोच लो, जैसे हमने सोच लिया कि मेरे, जैसे हमने सोच लिया कि उसके पास कुछ है, ठीक है, मतलब सोच लिया कि मेरे पास ये चीज़ है, तो ऐसे इन्होंने मान लिया कि मेरे पास वो करेज है, साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक्स मी।
लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ जब एक चीता मेरे ऊपर हमला करेगा? फादर, लेट अलोन स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव यू हैव करेज? क्या सिर्फ अकेली ताकत से ही क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो? प्रूव मतलब सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे पास साहस भी है? क्या सिर्फ ताकत से तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे पास साहस भी है? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस। मुझे देखने दो, क्या तुम आज रात अकेले मेरे ऑफिस में, मेरे दफ्तर के कमरे में सो सकते हो? स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी विच इरिटेटेड हिज फादर। स्वामी हमेशा ही अपनी ग्रानी नानी के बगल में सोता था, जो क्या करती, इरिटेट करती है उसके पिताजी को, जो कि उसके जिनसे उसके पिताजी चिड़चिड़ाते हैं, मतलब जिनसे नहीं, क्योंकि स्वामी हमेशा अपनी नानी के पास ही सोता है, इस वजह से उसके पिताजी चिड़चिड़ाते हैं कि ये इतना डरपोक है कि अपनी नानी के साथ ही सोता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि क्या तुम आज की रात मेरे दफ्तर में अकेले बिता सकते हो? स्वामी कहता है, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। कहता है, अगले महीने की पहली तारीख से मैं अकेला सोऊंगा पिताजी। फादर, नो, यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे। नहीं, तुमको यह आज से ही करना होगा, तुमको यह आज से ही करना चाहिए। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रानी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट। शाम को स्वामी अपनी नानी के पास गया और उनके कंबल के अंदर सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम। उसके पिताजी आए और उन्होंने उससे कहा, फादर गेट अप, उठो। ग्रैनी, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम? तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो, क्यों करते हो? फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स। पिता ने उसका रोल्ड मतलब फोल्ड कर दिया या समेटा, पिताजी ने उसका बिस्तर समेटा और उसकी बाहों के नीचे रख दिया, मतलब जिस बिस्तर पे वह सो रहा था उन्होंने पिताजी ने उसके बिस्तर को समेटा और उसकी बाहों के नीचे, किसकी, स्वामी की बाहों के नीचे रख दिया। फादर कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज। मुझे हॉल में सोने दे, कृपया मुझे हॉल में सोने दे प्लीज। कृपया, योर ऑफिस इज़ वेरी डर्टी। आपका दफ्तर बहुत ज़्यादा गंदा है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। और हो सकता है कि वहाँ पर स्कॉर्पियस मतलब होता है बिच्छू, और वहाँ पर आपके कानून की किताबों के पीछे बिच्छू भी हो सकते हैं। फादर, नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तुमको अंधेरे से डरना सीखना ही होगा, तुम्हें हम ये सीखना होगा कि अंधेरे से ना डरा जाए, अंधेरे से भयभीत ना हुआ जाए। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट। यह एक ये हैबिट मतलब आदत का ही सवाल है, ये अपने एक आदत का ही सवाल है, अपनी आदत को अपनाने का ही सवाल है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। तुम्हें जीवन में अच्छी आदतें ही डालनी चाहिए, अच्छी आदतों को ही अपनाना चाहिए, कल्टिवेट मतलब अपनाना चाहिए अच्छी आदतें। एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड। जैसे ही रात बढ़ती गई और घर में जो कहते हैं साइलेंस मतलब सन्नाटा था, वो और ज़्यादा बढ़ गया, घर में सन्नाटा और ज़्यादा बढ़ गया। स्वामी का दिल जोर से धड़कने लगा, बीट मतलब धड़कना। ही रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स दैट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ। उसको सारी कहानियाँ याद आने लगी डेविल की और घोस्ट की, घोस्ट मतलब भूत प्रेत और डेविल मतलब राक्षस और भूत प्रेतों की सारी कहानियाँ जो उसने पढ़ी थी और सुनी हुई थी अपनी ज़िंदगी में, अब तक वो सारी कहानियाँ उसको याद आने लगी। ही शट हिज आइज टाइटली एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद हिज ब्लैंकेट अंडर द बेंच। ही शट, उसने बंद कर ली उसकी आंखें बहुत ही ज़ोर से और अपने आप को ढक लिया, कवर्ड हिमसेल्फ, अपने आप को ढक लिया कंबल से अंडर द बेंच,
बेंच के नीचे उसने अपने आप को कंबल से ढक लिया। He put his hand out to feel Granny's presence at his side. उसने अपना हाथ रखा ग्रानी नानी की उपस्थिति को महसूस करने के लिए, साइड में उसने अपना हाथ रखा नानी की उपस्थिति को महसूस करने के लिए। As it was his habit, क्योंकि यह उसकी एक आदत थी, नानी को साइड्स पे साइड में बगल में हाथ रखकर महसूस करने की उसकी आदत थी कि नानी यहाँ पर लेटी है या नहीं। But he only touched the wooden leg of the bench. जैसे ही उसने साइड में हाथ रखा नानी को छूने के लिए, उसने क्या टच किया? Only touched the wooden leg of the bench. बेंच का लकड़ी का पैर उसने छुआ। He sweated with fright. वह डर से पसीना छूटने लगा, उसका डर से पसीना आने लगे उसको। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच। स्वामी बेंच के एज मतलब किनारे पे सरक गया। स्वामी बेंच के किनारे पर सरक गया, सरक गया, बढ़ गया। ही स्टेयर्ड इंटू द डार्कनेस। वह अंधेरे को घूरने लगा, वह अंधेरे की तरफ देखने लगा, अंधेरे को घूरने लगा। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कुछ नीचे की तरफ हिल रहा था, चल रहा था, कुछ नीचे चल रहा था। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कुछ नीचे चल रहा था। एज इट केम नियरर, जैसे ही ये पास आया, थिंकिंग इट वॉज अ गोस्ट, सोच रहा था कि ये भूत है। ही क्राउल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट। ही क्राउल्ड, क्राउल्ड मतलब होता है रेंगना। वह रेंग कर बाहर आया, ही क्राउल्ड आउट, वह रेंग कर बाहर आया। फ्रॉम अंडर द बेंच, बेंच के नीचे से वह रेंग कर बाहर आया। एंड हग्ड इट, और इसको गले लगाया। विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति से उसने इसको गले लगाया। जो भी चीज़ इसके पास आ रही थी, इसने रेंगते हुए बेंच के नीचे से बाहर निकला और अपनी पूरी शक्ति के साथ इसने इस चीज़ को गले लगा लिया। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ वेपन, उसने अपने दांतों को इस पर एक वेपन मतलब होता है हथियार, ठीक है, हथियार की तरह इस्तेमाल किया। द क्रिएचर येल्ड आउट इन पेन, और जो क्रिएचर था, क्रिएचर मतलब जो भी आकृति थी या जो भी जंतु था, ठीक है, जो भी था, इसने उसके ऊपर अपने दांतों को हथियार की तरह से इस्तेमाल किया और क्रिएचर चिल्लाने लगा दर्द से। जो भी जानवर था वो दर्द से चिल्लाने लगा, या जो भी भूत था, जो भी क्रिएचर था वो दर्द से चिल्लाने लगा। इन अ मोमेंट हिज फादर द कुक एंड अ सर्वेंट केम इन कैरिंग अ लाइट। इन अ मोमेंट, उसी एक पल में उसके पिताजी और रसोईया और बाकी के सभी नौकर रोशनी पकड़े हुए ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिडस्ट द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग एंकल। सारे के सारे बर्गलर मतलब जो होता है चोरी करने जो लोग आते हैं, उसके ऊपर गिर गए। जो कि अब ये चोरी करने वाला चोर था, ये कहाँ पड़ा हुआ था? ले ये फर्नीचर, जितने भी फर्नीचर रखे हुए थे उनके बीच में पड़ा हुआ था। विद अ ब्लीडिंग एंकल, और उसका पैर का एंकल मतलब टखना, उसका पैर का टखना से खून बह रहा था। ये जो तीनों लोग आए, ये आके इस चोर के ऊपर गिर पड़े। बर्गलर मतलब होता है सेंध लगाने वाला, ठीक है, या चोरी करने जो भी लोग आते हैं, सेंध लगाने वाले के ऊपर गिर पड़े, जो कि फर्नीचर के बीच में पड़ा हुआ था और उसका टखना बह रहा था खून से। फादर कॉल्ड द पुलिस, पिता ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ। पुलिस जो थी वो स्वामी की बहुत कृतज्ञ थी, आभारी थी कि उसने इस बहुत ज़्यादा नोटोरियस होता है कि जो बहुत ज़्यादा
कुख्यात होता है। जैसे चोर नहीं होते, बहुत कुख्यात चोर है या बहुत मतलब डाकू है कोई, बहुत ज़्यादा जाना माना जिसको पुलिस पकड़ना चाह रही है और वो पकड़े में नहीं आ रहा है, तो यही वैसा ही बहुत जाना माना कुख्यात चोर था, थीफ मतलब चोर। तो पुलिस स्वामी की बहुत ज़्यादा आभारी थी कि उसने ऐसे कुख्यात चोर को पकड़ लिया। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, अगले ही दिन स्कूल में स्वामी क्लासमेट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, स्वामी के जो सहपाठी थे उन्होंने उसको बधाइयाँ दी। एंड लुकड एट हिम विद रिस्पेक्ट, और उसको सम्मान के साथ देखा। द हेड मास्टर सेड दैट, हेड मास्टर जो स्कूल के हेड मास्टर होते प्रिंसिपल होते हैं, उन्होंने कहा दैट स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट। हेडमास्टर ने कहा कि स्वामी एक सच्चा स्काउट है, बहादुर सच्चा स्काउट है। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स, उसकी बहादुरी की जो खबर थी ये मालगुडी टाइम्स में भी पब्लिश की, छपी थी मालगुडी टाइम्स अखबार में भी प्रकाशित हुई। दिस स्टोरी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाय आर के नारायण, ये पाठ आर के नारायण द्वारा लिखी गई मालगुडी डेट से लिया गया है।